जो राजा होता है वो प्रजा का माता पिता होता है, क्योंकि अभी राजा तो हमारे गवर्नर साहब ही हैं यहाँ के, तो उनका आना ही बहुत बड़ी बात है। कहीं बोलते हैं कि धर्म का राजा जहीं कहीं पैर रख दे, अगर कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं वो कोई ऐसे बातें होती हैं, उसके पैर रखने से वो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो राजा था, धर्म का राजा यहाँ आया है, ताकि सेवा हो जाती है, वो 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान साथ चलना शुरू हो जाते हैं। और भगवान आज का दिन, भगवान ने गाय की सेवा शुरू की थी, वही आज का दिन गोपाल अष्टमी। आज तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, ब्रज में जाएं, कृष्ण और बलराम बने होते हैं, वो घर घर जाके सबके घर से थोड़ा 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 प्रसाद लेते हैं और पूरा ब्रज जो है खुश होता है। और मानो तो वो कृष्ण बलराम असलियत में वही आते हैं और उनका सब दर्शन होता है। तो मेरा यही कहना है, गो सेवा, भागवत सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, इससे कोई बड़ी सेवा है ही नहीं। अगर हम इसी पे चलें तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, ऐसे है कि बहुत खुशी का टाइम है और दिन है, आज गोपाल अष्टमी है। तो इस दिन भगवान स्वयं नाचे थे, तो आज देख लो आप यहाँ पे कितना मेला लगा हुआ है, लोगों को आस्था आस्था जागृति आ रही है। और एलजी साहब यहाँ पे आ जाए, काफ़ी सारी जो जहाँ पे कमी थी हमने उनको बताया कि जहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, कुछ शेडों की दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर पूरा ध्यान देंगे और ये कार्य करवाएंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि भगवान के कार्य के लिए आज एलजी साहब खुद आए थे, तो स्टेट के मालिक हैं वो, तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर इस तरह से वो आए यहाँ पे, थोड़े समय के लिए ही उन्होंने टाइम निकाला, तो यहाँ का जो दौरा किया उन्होंने गौशाला का, तो हमें लगता है कि यहाँ की इम्प्रूवमेंट और होगी। जैसे बोरवेल का है, छड्डों का है, वो कार्य होगा। और बड़ा खुशी का दिन होता है कि एक आज के दिन लोग गोपाल अष्टमी के दिन गौशाला में आते हैं, गौओं को चारा डालते हैं, हरा पत्ता डालते हैं, तो इससे हर इंसान को एक खुशी महसूस होती है और जो उनके बच्चों के या उनके कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। मैं आपके माध्यम से हर आदमी को यही कहूँगा कि गोपाल अष्टमी के दिन गौशाला में आके तो पुण्य कमाएं और गौ सेवा करें। तो सभी जनता को ऐसे करना चाहिए, जिससे हमारी स्टेट की हालत भी ठीक होंगे, क्योंकि भगवान के बगैर, अल्लाह के बगैर कोई भी जो परेशानियाँ दूर नहीं कर सकता, वही है एक परवरदिगार जो परेशानियाँ दूर कर सकता है। तो मेरी सभी से यही अपील रहेगी, भाई कोई भी त्यौहार आता है, किसी भी मजहब का हो, उसको बड़े प्यार से, आदर मान सम्मान से
मनाया जाना चाहिए। जैसे कि आज गोपाल अष्टमी है तो सभी लोग जहाँ पे माथा टेक रहे हैं आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर दुनिया जहाँ पे हिस्सा ले और जहाँ जहाँ भी कोई त्यौहार हो जाए और सबसे पहले भगवान से यही आराधना करे कि हमारी स्टेट जो है खुशहाल हो, स्टेट में तरक्की हो और हर आदमी को एक दूसरे से मिलने का मौका मिले और जो अपने मनों में दूरियां वो उनको दूर करे और बड़े प्यार मोहब्बत से जो पहले आज से 50-60 साल पहले बड़े खुशी से एक दूसरे से लोग मिलते थे उसी राह पे चले, उसी राह मिले तो हमारी स्टेट जो है, हमारी ड्यूटी जो है वो खुशहाल रहे। यही मेरा संदेश है।